उत्तर प्रदेश के किसी भी धरना प्रदर्शन में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होना तो आम बात है, लेकिन आज मुरादाबाद में हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच गए और योगी पुलिस के समर्थन में नारेबाजी करते हुए पुलिस की समस्याओं को लेकर डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। लोगों को प्रताड़ित करने का सालों से आरोप झेल रही उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आज शायद पहली बार मुरादाबाद में हिंदुओं से जुड़ी हिंदू समाज पार्टी खड़ी हो गई। दरअसल हिंदू समाज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता आज एक बड़ा बैनर हाथों में लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। ये कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश पुलिस के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। इनका कहना था कि पुलिस 24 घंटे लोगों के लिए काम करती है, लेकिन उसके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। हिंदू समाज पार्टी ने एक ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई है कि पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक छुट्टी दी जाए, महिला पुलिस कर्मियों को उनके गृह जनपदों में पोस्टिंग किया जाए। इसी तरह 5 मांगों का एक ज्ञापन मुरादाबाद प्रशासन को सौंपा। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रांशु जोशी, मैं हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या क्या प्रदर्शन, किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है आज? हमारी कुछ मांगे हैं, आज निम्न मांगे हैं जो हमने ज्ञापन भी दे चुके हैं जिलाधिकारी महोदय जी को, और उसके अलावा 18 दिसंबर को हम लोगों ने लखनऊ में पैदल संकल्प यात्रा भी निकाली है, लेकिन आज फिर हम एक ज्ञापन के माध्यम से हम इस दे रहे हैं और ये पूरे यूपी में चल रहा है। आंधी आए तूफान आए, हम अपनी बातों से मुकरने वाले नहीं है। हमारी जो मांगे हैं उनको हम पूरा करवा के ही रहेंगे। मांगे क्या हैं? हमारी मांगे हैं बॉर्डर स्कीम खत्म हो, 8 घंटे की ड्यूटी सुनिश्चित हो पुलिस कर्मियों की, हफ्ते में एक अवकाश हो महिला कांस्टेबल को, उनके जनपद में नियुक्ति हो, और साइकिल की जगह मोटरसाइकिल का भत्ता मिले, मेडिकल स्कीम हो, और उसके अलावा जो रविवार दिन पड़ता है जब अवकाश लेते हैं छुट्टी लेते हैं तो उनकी वो छुट्टी नहीं काटी जाए। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने अब तक जो प्रदर्शन करे हैं वो जन को लेकर के किए हैं, क्या वजह है कि आप पुलिस के पक्ष में ही प्रदर्शन? देखिए, साक्षात आज आप लोगों के मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं एक चीज आपको अवगत करा देता हूँ, लेकिन नाम मैं शो नहीं करूंगा उन पुलिस कर्मियों का, मैं नाम नहीं शो करूंगा। आज से 20 दिन पहले कोई सिपाही था, उस बेचारे के घर पे प्रॉब्लम हो गई थी, 2 दिन छुट्टी के मारे मारे घूमता रहा, उसको छुट्टी नहीं मिली। तो सिर्फ उस जो पुलिस कर्मी है वो भी एक इंसान है, वो भी हिंदुस्तानी है, तो क्या उनकी समस्या का समाधान करना हमारा फर्ज नहीं है? हमारा कर्तव्य है, जब वो हमारे लिए 24 घंटे सेवा करते हैं तो हम उनके लिए सेवा क्यों नहीं कर सकते? हम उनकी आवाज बुलंद क्यों नहीं कर सकते? हम उनके लिए आवाज उठाएंगे और बुलंद करके दिखाएंगे, अपनी मांगे पूरी करके दिखाएंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े, हम अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं, लेकिन हम अपनी मांगे पूरी करके दिखाएंगे।